सीपीएस में हम 3 दशकों से बच्चों को सिखाते आ रहे हैं कि हर त्यौहार को खूब हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाना बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी संस्कृति से, अपने देश की जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए। अगर हम अमेरिका में पैदा होते तो वहाँ के त्यौहार मना लेते, वहाँ की संस्कृति से जुड़ते, पर चूंकि हम भारत में हैं तो हमें भारत के देश के रूट से और उसकी जड़ों से जुड़ना है। तो आइए, अभी गणेश चतुर्थी का ये पर्व आ रहा है, हम इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी भी त्यौहार का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो। तो जब हम खुश होते हैं, हमारी घर की बहन बेटियां, हमारे रिश्तेदार, हम सब फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर ट्रेडिशनल अपना अपने अपने धर्म के हिसाब का जो भोजन करते हैं और बतियाते हैं, हंसते हैं और हिल मिलकर रहते हैं, तो उससे हमारे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे कि हमारे ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। हर्षोल्लास में बहुत ताकत है। तो आइए, ये गणेश चतुर्थी का पर्व हम खूब हर्ष के साथ, खूब उत्साह के साथ, पुलकित होकर, प्रफुल्लित होकर अच्छे से मनाएं। सुबह से ही तैयार हो जाएं, अच्छा भोजन बनाएं, हम सब एक दूसरे का हाथ बटाएं, घर के काम काज करें, किसी भी हालत में घर में क्लेश न हो, किसी की निंदा न हो, हम किसी भी उस रिश्तेदार की बुराई न करें जो कि हमारे घर काफ़ी आते जाते हों, क्योंकि हम जब रिश्तेदारों की बुराई करते हैं या फ्रेंड्स की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारे बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर आता है। तो त्यौहार का जो मुख्य उद्देश्य है अपनी इनर एनर्जी को इंक्रीज करना, तो आइए अपनी इनर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए पूरे उत्साह के साथ अपने इस त्यौहार को हम मनाएं।